ओके क्लास सिक्स रिवियन नंबर्स क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट ए. इसमें हमने फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 फोर डिजिट हमें दिए गए. इनका स्मॉलेस्ट नंबर इनको लिखने से कंबाइन करने से कौन सा स्मॉलेस्ट बन रहा है एंड कौन सा लार्जेस्ट बनेगा और फिर उन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके डिफरेंस भी लेना है यानी उनको सबट्रैक्ट करके आंसर भी लेना है. ठीक है सो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं. जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है इन फोर डिजिट्स को यूज़ करते हुए तो हमने इन चारों डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है. 1, 2, 3, 4 इज़ ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर सो हमने 1, 2, 3, 4 लिख दिए. जब हमने यही लार्जेस्ट नंबर इन्हीं चार डिजिट्स को मिला के लिखना है सो वी राइट दीज डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले बड़ा 4 था उसको पहले लिख दिया, देन 3, देन 2, देन 1. सो ये लार्जेस्ट नंबर 4321 बन गया और स्मॉलेस्ट नंबर 1234 बन गया. अब इनका डिफरेंस हमने लेना है. 4321 ऊपर लिखा और 1234 नीचे लिख के सबट्रैक्ट करना है. अब 1-4 नॉट पॉसिबल, इसको कट करके 1 बनाया, इधर 11 बना दिया, 11-4 7. अब यहाँ पे 1 रह गया था तो अब इस 3 से कैरी लेंगे, इसको 2 बनाएंगे और यहाँ पे 1 कैरी बना के 11 बना दिया. 11-3 8. अब 2-2 हो गया 0 और 4-3 1 3. सो 3087 इज़ द फाइनल आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं वो 2, 3, 4 एंड 0 हैं. जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अगर मैं लिखती हूँ 0 सबसे पहले क्योंकि वो सबसे छोटा वो है, देन 2, 3, 4, तो आपको पता है कि जब 0 एट द स्टार्ट किसी नंबर के ऊपर होता है कि स्टार्ट पे होता है सो इट इज़ नॉट काउंटेड या इसको पढ़ा नहीं जाता, ये जस्ट 234 रहेगा. तो ये फोर डिजिट नंबर तो नहीं बनाना, हमने ऐसा नंबर लिखना है जो इन चारों डिजिट्स को मिला के बने और वो फोर डिजिट नंबर हो. अब जब 0 स्टार्ट पे आ जाएगा तो ये 3 डिजिट नंबर रह जाएगा. ठीक है, हमने 4 डिजिट नंबर जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस 2 और 0 को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, 2034 कर देते हैं. सो इसका स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा वो 2034 बनेगा. और लार्जेस्ट बनाने के लिए अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा हमने 4 पहले लिखा, देन हमने 3 लिखा, देन 2 एंड देन 0. अब 0 एट दी एंड काउंटेड, ये 4320 बनेगा, ये 0 काउंट हो रहा है. जब हमारा यहाँ पे था वो 0 स्टार्ट पे आ गया था, वो काउंट नहीं हो रहा था, तो तब हमने उनको रिप्लेस किया था. अब इनका डिफरेंस हमने लेना है सो इनको लिखते हैं और रफ पे सॉल्व करते हैं. अब लार्जेस्ट नंबर ऊपर रख के माइनस स्मॉलेस्ट नंबर करना है. 0-4 नॉट पॉसिबल, इसको 1 बना के 10 बना दिया, 10-4 6. अब 1-3 नॉट पॉसिबल, इसको 2 बना के यहाँ पे 11 बना दिया, 11-3 8. 2-0 2, 4-2 2, तो 2286 फाइनल आंसर है. सो आंसर हमने लिख दिए यहाँ पे. देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन. एक्सपेंडेड नोटेशन आपने खुद सॉल्व करनी है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. देन राइट दी नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमने इसका नंबर जो बन रहा है वो लिखना है. तो ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटर्मन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स. हमने यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है और कौन से दो नंबर्स का डिफरेंस लेना है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हमें गिवन होगा और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स. इट मीन ये 6 डिजिट वाला बड़ा नंबर आ जाएगा ना, यानी जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे, इसको ऊपर रख के फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट को नीचे रख के हमने सबट्रैक्ट करना होगा. सो इसको स्टार्ट करते हैं हम. इन क्वेश्चन नंबर 7 डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट. इसमें सबसे पहले लिखा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, दैट इज 9, 9, 9 एंड 9. आपको पता है जब लार्जेस्ट नंबर की बात होती है तो हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसमें सारे 9 मौजूद हों. और 4 डिजिट नंबर होगा तो 9 कितने टाइम होगा इसके अंदर, 4 टाइम होगा. फिर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, जब 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है इट मींस इट हैज़ 1, इसके अंदर एक 1 होगा और बाकी जो 5 डिजिट रह जाएंगे उसमें सारे क्या होंगे, 0 होंगे. सो इट इज़ नाउ 6 डिजिट नंबर. ये देखें 4 डिजिट नंबर आ गया और ये 6 डिजिट आ गया, 6 डिजिट नंबर आ गया. अब इनका डिफरेंस लेना है. ओके, जब डिफरेंस लेना है तो 6 डिजिट नंबर ऊपर रख के और 4 डिजिट नंबर नीचे लिखना है. ठीक है, जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होते हैं इट मींस वो ऊपर रखना है डिफरेंस में जब सबट्रैक्ट करना है हमने. सो 0-9 नॉट पॉसिबल और पीछे सारे 0 हैं तो इसको कट करके बनाएंगे 0
यहाँ पे बना दिया 10, इसको कट करके 9 बनाया, यहाँ बनाया 10, कट करके 9 बनाया, यहाँ बनाया 10, अगेन 9 बना के यहाँ पे 10, फाइनली 10 माइनस 9 किया 1 आ गया, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, आफ्टर 3 डिजिट्स प्लेस द कॉमा, 9 माइनस 9 0, और 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा, और लास्ट में 0 है। सो 0 अगर यहाँ पे लिखते भी हैं, लेकिन जब हमें इसका आंसर लिखना होगा, डैट इज़ 90,001, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल पॉसिबल टू डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 3 एंड 4। टू डिजिट नंबर 3 और 4 अगर डिजिट गिवन हो, तो इनमें से कितने टू डिजिट नंबर बन सकते हैं, और फिर उनका सम भी करना है। सो हमने इट मींस करना होगा, पहले अगर 3 डिजिट ले रहे हैं तो 3 के साथ अगर 3 ही रखा जाए तो 33 बनता है, और उसका सम हमें करना होगा जब 3 के साथ 4 रखा जाएगा। अब 3 के दोनों पॉसिबल पेयर आ गए हैं, जब 3 अपने साथ था इट्सेल्फ, एंड देन जब 3 दूसरे डिजिट यानी 4 के साथ था। अब 4 की बारी, जब 4 खुद के साथ था तो 44 बनाया, और जब 4 3 के साथ था तो 43 बना दिया इसने। अब इनका सम कर लेते हैं, और सम का रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिख देना है, प्लस करना है इनको, रफ पे कर लेते हैं। सो इनको सम हमने किया, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 13, 7 और 3 10 14, 4 और 1 कैरी आ गया, 3 3 6, 6 और 4 4 8 होता है, तो 6 और 8 14 और 1 कैरी ऐड किया 15, 154 इज़ द फाइनल सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3, ईच डिजिट अकरिंग ओनली वंस इन द नंबर। अब हमें यहाँ पे मैंने 3 को रिपीट किया था, 4 को रिपीट किया था, अब हमें 3 डिजिट जो दिए गए 1 2 3, इसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए जब इनको हमने सम करना है। अब यहाँ पे हमने सम करना है, सबसे पहले 1 2 यानी 1 डिजिट रखा, उसके साथ 2 और 3 रखा, उसमें सम करना है, जब 1 ही रखा। अब 2 3 को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, तो ये 132 बन जाएगा। अब 1 डिजिट स्टार्ट पे आ गया ना, अब 2 डिजिट की बारी आ गई, जब 2 मैंने रखा और 1 और 3 रखा, देन 2 रखा और इन दोनों डिजिट्स को 3 1 कर दिया। अब जब 3 डिजिट्स की बारी आई, तो इसके साथ 1 और 2 रखा, फिर जब 3 डिजिट है तो 2 और 1 हमने इंटरचेंज करवा दिए। अब जब इन सारों को हमने सम करना है, तो रफ में इनको सम करके यहाँ फाइनल आंसर लिख देना है हमने। अब इन नंबर्स को सम करना है, 3 2 5 8 9 10 11 12 12 का लगा, यहाँ पे 2 और 1 आके कैरी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का लगा, 3 और 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 32 इज़ दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 3 4 0, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। इसमें भी हमें यानी यहाँ पे था कि अकरिंग ओनली वंस इन द नंबर, डिजिट्स अकरिंग ओनली वंस या रिपीटेशन नॉट अलाउड, इट मींस ये दोनों एक ही बात हो रही है कि हमें रिपीटेशन नहीं करनी है, डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 3 रिपीट किया था, 4 4 रिपीट किया था। अब जब हमने इन नंबर्स का सम करना है, इट मींस सबसे पहले 3 डिजिट रखा और उसके साथ 4 0 रखा, फिर इसी 3 के साथ 0 और 4 आपस में इंटरचेंज हो गए। अब 4 की बारी है, 4 के साथ पहले 3 और 0 रखा, और फिर 4 के साथ ही 3 और 0 रिपीट आपने पोजीशन इंटरचेंज कर गए, 0 3 हो गया। अब अगर नेक्स्ट में सम करती कि 0 स्टार्ट पर रखा और 3 4, और 0 ही स्टार्ट पर रखा और 4 3 करते, तो ये स्टार्ट वाले 0, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनका स्टार्ट पे होने की वजह से ये जस्ट 34 और ये जस्ट 43 हो जाएगा, ये तो 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे, हमें तो 3 डिजिट नंबर ही चाहिए। इट मींस ये दोनों अलाउ नहीं होंगे, जस्ट इनके जो पॉसिबल नंबर बन रहे हैं वो यही 4 होंगे, इन्हीं का सम कर लेना हमने। सो ये हम रेस कर देते हैं, ये हमारे नंबर नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्ट पे 0 लाने से वो नंबर 2 डिजिट रह जाता था, 3 डिजिट नहीं रहता था। सो इनका सम करते हैं और फिर आंसर लिख देंगे। अब जब इनको सम करना है, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 3 3 6, 4 10, 4 14, तो 1477 इज़ दी फाइनल आंसर, 1477। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 4 अमंग द फॉलोइंग। इसमें से डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करनी है, इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 होल्ड करता है। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का जो टेस्ट ऑफ 4 था कि नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय या शुड बी डिविजिबल बाय
4। अब यहाँ पे 46 आ रहा है, 46 अगर हम अंदर रख के और 4 से डिवाइड करते हैं, 4 वन इज़ 4 और रिमाइंडर आ जाता है 2। इट मीन्स ये 46 डिविजिबल नहीं है, सो ये क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर जस्ट 6 आ जाता है, तो अभी हमने 6 का चेक कर लिया, तो 6 से तो रिमाइंडर 2 आ जाता है ना, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 64 है, जब 4 अंदर रखा और 4 से डिविजिबल किया, 4 वन इज़ 4, 2 रिमाइंडर और 4 नीचे ले लिया हमने, 24 आ गया, 2 6 14, सो फाइनल 16 इसका आंसर है। इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा, ये टिक हो गया। यहाँ पे 78 है, 4 अंदर रखे, 4 वन इज़ 4, 3 और 8, 4 9 36, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर आ गया, इट मीन ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है। इट इज़ ये क्रॉस करने और जस्ट हमारे पास जो नंबर आया डिविजिबल बाय 4 वो नंबर 3 आया है। नेक्स्ट जो आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आपने चेक करनी है, इन नंबर स्पेस में क्या करना है, आपने जस्ट नंबर्स का सम लेना है और जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे अगर 9 प्लस 3, एक 93 नंबर है, इसका डिजिट्स का सम 9 प्लस 3 12 आएगा, और जब आपने चेक किया कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो ये तो 3 से डिविजिबल होता है ना, 3 4 12, इट्स मीन 93 भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो इस तरह आपने इन सारे नंबर्स पे ये टेस्ट लगाना है। सो आपने रिवियन नंबर्स का जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 और देन डिविजिबल ऑफ 3 ये आपने करने, और आपको क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही है तो मेरे से आपने पूछ लेना, ठीक है।